हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विद पीडीएफ, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लाई हूँ चैप्टर 2 धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, इसका पार्ट 1। चैप्टर 1 पहले ही मैं पूरा करा चुकी हूँ, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको स्पेक्ट्रम बुक्स के नाम से मिल जाएगा। और उसका जो पीडीएफ है वो भी सक्सेस मंच पेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा आपको, और मेरे टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर 1 की, वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है। अब चैप्टर 2 का पार्ट 1 में आज शुरू करूँगी, और जैसे ही ये चैप्टर 2 कम्प्लीट होगा एज इट इज़, इसका भी पीडीएफ सक्सेस मंच पेज और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ऐसे ही लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के काम की लगातार आती जा रही है। यूपीपीएससी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 15 दिसंबर एग्ज़ाम डेट है हमारे पास, मोटा मोटा कहें तो सिर्फ 4 मंथ्स हैं, तो मैं इसकी भी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी कि कैसे हम 2 महीने मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना लेंदी है कि अगर प्री निकल भी गया तो मेंस के लिए हमें ओनली 4 मंथ्स का टाइम मिलेगा, तो 4 महीने में मेंस के पेपर 6 पेपर कवर करना बहुत ईजी नहीं होगा हम लोगों के लिए, तो इसीलिए 1 महीना 1 पेपर को भी नहीं मिलेगा लास्ट टाइम में। तो पहले अभी 2 महीने हम लोग मेंस कवर करते हैं, और लास्ट के जो 2 महीने पड़ेंगे वो बचेंगे हमारे लिए, दिसंबर में एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को, तो उस समय हम प्री करेंगे और प्लस रिवीजन भी करेंगे। इसकी पूरी स्ट्रेटेजी हम कैसे करेंगे तो ये सब मैं भी लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, और साथ के साथ यूपीपीएससी मेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, जो बीच में ब्रेक हो गई थी किन्हीं कारणों से, अब वो दोबारा मैं कंटिन्यू करूँगी। एमबीपीएससी मेंस, यूपीपीएससी मेंस दोनों साइमल्टेनियस चलेगा हमारे चैनल पे, तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। स्पेक्ट्रम का सार संग्रह ये मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिए ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करती हूँ इस 2 महीने के अंदर या मोस्ट प्रॉब्ली 1 मंथ के अंदर ये पूरा स्पेक्ट्रम खत्म कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाए मॉडर्न इंडिया के कंटेस्ट में मेनली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट जिस व्यूवर्स ने पहली बार मेरे चैनल को इस बार आए हैं, तो उस मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों पे आए। और एक बात और क्लियर करूंगी कि पर डे अब मैं कोशिश करूंगी कि 3 से 4 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जो कि एक है 1 मिलियन जीके क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जीके की वहाँ पे कवर करने वाली हूँ, उससे बाहर मैं गारंटी लिख के देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बाहर अगर क्वेश्चन आया तो आप मेरा चैनल देखना बंद कर दीजिएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स आप अपने आप अभी तैयार कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि मैं करंट अफेयर नहीं करवा पाऊँगी, प्लस मेंस तो मैं पूरा ऑलमोस्ट मैं कवर कराऊँगी, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, दोनों का मेंस मैं आप लोगों का यहाँ कवर करवाऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज करते हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। हम लोग ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, और 1 मंथ के अंदर ये मैं पूरा आपको कंप्लीट कर दूंगी। चलिए आगे देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें कि सुधार आंदोलनों को जो प्रेरित करने वाले कारक थे वो कौन कौन से थे। जो हमारे भारत में सुधार आंदोलन हुए, चाहे वो धार्मिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, जितने भी सुधार हुए हैं उसको प्रेरित करने वाले ऐसे कौन से कारक हमारी इंडिया में आए, तो उसके ऊपर यहाँ बता रही हूँ। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंटर्स हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंटर्स हैं, इसको आप अपने लैंग्वेज में जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति। भारत में जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगा, तथा अपनी परंपरा और से संस्कृति से भारतीय दूर होने लगे जब ब्रिटिश शासन हमारे इंडिया में आया। तो अंग्रेजों से पूर्व भी बहुत सारे बाह्य जो आक्रमणकारी थे भारत में आए थे,
या तो वो भारत की समाज संस्कृति में कोई भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं डाल पाए, आए आक्रमण किया लूटा और चले गए, ये वो लोग करते थे, या फिर यहाँ की संस्कृति और में समाहित हो गए, जैसे कि मुगल आए या फिर सल्तनत काल आया तो वो यहाँ की संस्कृति उन लोगों ने अपना ली। बट जब अंग्रेज आए भारत में तो उनका आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में जो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार चल रही थी, पुनर्जागरण का काल चल रहा था यूरोप में, उस समय अंग्रेज आए, तो उस समय मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान और अन्वेषण इस समय वहाँ पर व्यापक रूप से था, तो वो लोग अपना जो छाप है वो हमारे ऊपर छोड़ के चले गए। तो इससे पता चला कि यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा है तो भारत में भी उसी हिसाब से वही पुनर्जागरण यहाँ पर कायम होने लगा। तो ये मेन रीज़न था। सबसे मेन यहाँ पर रीज़न हम लोग ये देखेंगे कि इस जो काल था, इसका जो प्रेरित करने वाले कारक थे उसमें सबसे मेन जो रीज़न था वो था भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ। भारतीय समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ थी कि बहुत सारे जो बौद्धिक चेतना वाले महापुरुष थे उन्होंने सोचा कि अगर ये कुरीतियाँ भारतीय समाज से, भारतीय धर्म से निकल जाए तो भारत को कोई भी शक्ति, महाशक्ति पराजित नहीं कर सकती, यही जो कुरीतियाँ हैं इनके कारण ही हमारा देश गुलाम बना हुआ है। तो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, बहुत कॉमन कुरीतियाँ हैं, ये आप लोग ऑलमोस्ट 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या क्या है, बट एक बार मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा थी, महिलाओं का निम्न स्तर था, उच्च जातियों की एकाधिकार मूलक और शोषण की प्रवृत्ति इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर फैली हुई थी। इसमें सती प्रथा भी आएगा, वो मैंने यहाँ नहीं दिया है, आप सती प्रथा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो हिंदू समाज जो था वहाँ बुराइयाँ थी, बर्बरताएँ थी, अंधविश्वास से भरा हुआ था हिंदू समाज। पुरोहित जो थे वो समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और वो जन सामान्य की जो विभिन्न कर्म कांड थे, निरर्थक धार्मिक कृत्य थे, उनकी सहायता से अपने आप को सर्वोपरि बना कर रखते थे। उन्होंने शिक्षा, ज्ञान, धार्मिक क्रियाकलाप ये सब जो थे उनको अपना विशेषाधिकार बताया कि सिर्फ उन्हीं का अधिकार है इन सब चीज़ों पर, तथा इनकी सहायता से जन सामान्य के मतलब पूरे हृदय पे, मस्तिष्क पे उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था पुरोहितों ने। ऐसे ही हम आगे बात करें तो जब स्त्रियों के विषय में अगर हम बात करें तो स्त्रियों के जो कंट्रास्ट में था वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चल रही थी, जैसे कि लड़कियों का जन्म जो है अपशगुन माना जाता था, उसका विवाह जो बोझ माना जाता था, उसका जो विडोहुड है वो श्राप समझा जाता था, जन्म के पश्चात जो बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी, स्त्रियों का वैवाहिक जीवन था बहुत ही दयनीय था, संघर्षपूर्ण था, और अगर किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने को बाध्य किया जाता था, इसी को सती प्रथा कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय ने जो इसे शास्त्र की आड़ में हत्या का है, ये कोटेशन दे सकते हैं आपको प्री के एग्जाम में कि सती प्रथा को शास्त्र की आड़ में हत्या किसने कहा है, तो ये कहा है राजा राममोहन राय ने। अगर लकीली कोई लेडी बच जाती थी इस प्रथा से तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न और दुख में बिताने पर बाध्य होना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रथाएँ स्त्रियों के विषय में चलाई जा रही थी। ऐसी अगर हम बात करते हैं आगे, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आप एक एक लाइन, दो दो लाइन लिखोगे अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक, तो ये पूरे पॉइंटर्स लिख के इसको एक्सप्लेन कर देना, क्वेश्चन जितने मार्क्स का आएगा उतने मार्क्स का आपका उसी अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि भारत में जो उपनिवेशी शासन की स्थापना हुई उसके बाद जो अंग्रेजी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसके प्रचार के लिए शिक्षा का प्रचार किया गया, अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रचार हमारे देश में किया और इससे शहरीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, इससे भी लोगों के विचारों में बदलाव आया, प्रभावित हुए उनके विचार, विश्व ज्ञान संबंधी जागरूकता उनके अंदर आई कि विश्व में कितनी खोजें की जा रही हैं, विश्व में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, तो उससे हमारे देश में आया कि हम लोग काफ़ी अभी पिछड़े हुए हैं।
और आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी शक्तियों को पराजित करने की इसमें चेतना भी आई उनके अंदर, क्योंकि विभिन्न स्थानों में महाशक्तियां जो पराजित हो रही थी, जैसे कि चीन की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, इन सब से भी भारतीयों के अंदर जोश आया कि हाँ, अगर वहाँ पे क्रांतियाँ हो सकती हैं, वहाँ पे जनसाधारण अपना जो रूप है वो दिखा के अपना अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इतनी महान शक्तियों को पराजित कर सकता है, तो हम लोग तो जनसंख्या में उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम लोग तो ये काम कर ही सकते हैं। तो इससे उनके अंदर चेतना का प्रसार आया और धीरे धीरे जागृति हर जगह फैलने लगी। भारतीय जो सामाजिक थी और सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में जो दुर्बलता का कारण था, वो भारत जैसा जो विशाल देश है वो मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी एकजुटता नहीं थी, उनके अंदर ये जागृति नहीं थी कि हमें क्या करना है। तो इसी कारण से आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 19वीं सदी में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की विचार राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ। जैसे कि भारतीयों और भारत में धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको भी प्रभावित राष्ट्रवाद की भावना ने करना शुरू कर दिया था। इस कारकों में शीघ्र ही पुनर्जागरण की प्रक्रिया के उद्भव और विकास के लिए पृष्ठभूमि इसने तैयार की। जैसे कि राष्ट्रवाद भावना का विकास हुआ, नई आर्थिक शक्तियों का अभ्युदय हुआ और शिक्षा का प्रचार हुआ, आधुनिक पाश्चात्य मूलों और संस्कृति के प्रभाव तथा विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच ने सुधार का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो मध्य वर्ग पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों के नए वर्ग की उदय हुई। जैसे कि राजा राम मोहन राय वो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके आए, उन्होंने देखा कि हमारी संस्कृति तो बहुत अच्छी है बट उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसमें कुछ ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं जिसको अगर हटा दिया जाए तो हमारी संस्कृति से अच्छी कोई भी संस्कृति नहीं हो सकती। यहाँ पर तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर माननी है तो एज इट इज़ नहीं माननी है, उसका कारण होना चाहिए, उसको मानने का कारण होना चाहिए, किसी भी चीज़ को तर्क देकर उसको मतलब कि प्रॉपर प्रूफ देकर उस चीज़ को होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अगर हम सती प्रथा मान रहे हैं तो उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि हम इस अवधारणा को क्यों मान रहे हैं। तो इसी श्रेणी में हम कहेंगे कि तर्कवाद की अवधारणा का यहाँ विकास हुआ। विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा फैली यहाँ पर। यद्यपि इस काल में धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न तो किया और उनका दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक सीमित ना होकर विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा में बटा हुआ था। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म के अतिरिक्त ईसाई धर्म में भी अनेक गलत रीति रिवाजों को सार्वजनिक किया था। उन्होंने उनका विश्वास था कि सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया और उन्होंने एकेश्वरवाद मतलब कि ईश्वर एक ही है इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी श्रेणी में हम अगर बात करें आगे तो सर सैयद अहमद खां का भी मानना था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, भले ही उनका तरीका अलग अलग क्यों ना हो। ऐसे ही केशव चंद्र सेन के विचार भी इस संबंध में उदारवादी ही थे। उन्होंने कहा था कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें मानववाद एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास। सामाजिक सुधार आंदोलनों में मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी। इस बात को बहुत प्रमुखता से लिया गया कि कोई भी परिवर्तन तभी उपयोगी हो सकता है जब उससे मानव कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति हो, उससे किसी एक पर्टिकुलर आदमी का, पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर समाज का कल्याण हो, वही एक अच्छा धर्म माना जाएगा। इसलिए इस आंदोलन में ऐसे पाखंडी कर्मकांडों को अनावश्यक बताया गया जिसमें परेशानियाँ ज़्यादा और लाभ कम हो। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण हम कह सकते थे कि यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलनों को इन कारणों ने प्रेरित किया। ये जो कारण हमने बताए इसके कारण ही भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन आगे आए और कई ऐसे संस्थाएं आगे आई, कई ऐसे लोग आगे आए जिन्होंने इन सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया।
आज के लिए बस इतना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि आगे ऐसे कौन कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, किन किन ने इसमें भाग लिया और कैसे कैसे इसको समाज को सुधार किया गया, और भी जितने भी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं सारे सबको हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you for watching Success Munch. Keep watching.